इम्पॉर्टेंट है। मेरा अगला पूरा चैप्टर जो एक डेढ़ घंटा में उसमें लगाने वाला हूं वो है क्या, एक्शन, जो हर डायरेक्टर बोलता है एक्शन, फिर उसके बाद पैसा मिलना चालू होता है एक्टर को। एक्टर को पैसा किस बात के मिलते हैं, एक्शन बोलने से पहले के कामों के या एक्शन बोलने के बाद के काम। आवाज नहीं आ रही। एक आपने वो देखी है पीटीसी जो होती है, पहले होती थी, आजकल आजकल नहीं होती है, पहले रील वाली पिक्चरें चलती थी, तो उस पेटी पे क्या होता था, रील लिखी रहती थी, रील नंबर ये उसको दबाते थे और बाद में इसी पेटी में उस रील को बंद कर देते थे जिससे वो याद रहे कि किसके बाद की कौन सी है। नहीं तो पहले रील वाली में अगर शोले में मान लो पहले अमिताभ बच्चन यहाँ मारने की शूटिंग कर ली और वहाँ धर्मेंद्र जेल से छूट रहा है, तो अगर ये दोनों सेट नहीं हुए, रील नंबर नहीं मिले, तो क्या पता नहीं चलेगा कैसे क्या हुआ, तो इसलिए पहले बनाते थे उनको। आजकल सब डिजिटल हो गया तो अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती एक्शन वैक्शन की। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि एक्टर को पैसा एक्शन बोलने से पहले वो जितने नाटक कर रहा है उसके मिलते हैं या एक्शन बोलने के बाद वाले काम के मिलते हैं। अच्छा, एक्शन बोलने से पहले एक्टर बहुत अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, इतने कि जितने आप सोच के भी घबरा जाओ। कितने? एक एक एक्टर के बाल काटने वाला जो है करोड़ रुपया साल के लेता है, बाल काटने वाला। लेकिन बाल काटने वाला एक्टर के बालों के अलावा और कोई काम नहीं करता, 2400 घंटे उनकी बालों की चिंता करता है, इस बालों में प्रोटीन कैसा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसी हेयर स्टाइल होनी चाहिए, प्यास तो नहीं पड़ रही है, बाल सफ़ेद तो नहीं हो रहे हैं, और कोई नाटक तो नहीं हो रहा। एक ही आदमी की जिम्मेदारी है, मेरा एक भी बाल बांका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बालों से ही तो धंधा चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? एक एक मेकअप मैन जो है वो इतने इतने पैसे लेता है, और डिजाइनर जो हैं, कपड़े सिलने वाले जो लोग हैं, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और बाकी के जैसे लोग, मनीष मल्होत्रा का एक एक लहंगा जो वो हीरोइनों को पहनाता है 94 लाख, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए की एक एक ड्रेस होती है, जिनको वो आईफा अवार्ड और बाकी के अवार्डों में वो पहन के जाती है। पता था आपको ये बात है? इतने खर्चा करते हैं ये एक्शन बोलने से पहले, लेकिन सारी कमाई करते कहां से है? लोगों को एक्शन बोलने के बाद काम करना पड़ता है, तो आपको क्या लग रहा है हमको एक्शन बोलने के बाद काम नहीं करना पड़ेगा? क्यों? तो अभी कितने लोग बोलते हैं अभी असली कमाई आती है एक्शन बोलने के बाद? एक्शन बोलने के बाद कौन कौन सी कमाई होती है हमारे यहां? एक्शन बोलने के बाद जब आप प्लान दिखाते हो, एक्शन बोलने के बाद जब आप लिस्ट बनवाते हो, एक्शन बोलने के बाद जब आप बाकी के काम, लिस्ट बनवाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, ये वो सारी चीजें। अब हम जो बैठे हैं, अब इस टाइम जो बैठे हैं, और मैं दिन भर रात भर कल सवेरे तक परसों सवेरे तक 7 दिन लगातार ट्रेनिंग दे दूं, ना मैं 1 रुपया कमा रहा, ना आप 1 रुपया कमा रहे। कितने लोगों को लग रहा है? बेकार है सब। 7 दिन चला लूं मैं ये ट्रेनिंग, कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक्शन बोलने के बाद अगर आपने 15 मिनट भी काम किया, इसका मतलब वो मेरे लिए भी फायदा है और आपके लिए भी फायदा है। तो हमारा असली धंधा चलता कब है, एक्शन बोलने से पहले या एक्शन बोलने के बाद? गोली चलाई जाए? चला दें गोली? पहले गोली नहीं होती थी तो वो लकड़ी वाला फटका होता था, ऐसे पट मारते थे और दौड़ जाता था आदमी। मारे फटका वो? कितने लोग बोल रहे हैं मारो सर, बढ़ाओ आगे? लेकिन नहीं, चलो एक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा क्या? एक्शन। तो पावर ऑफ एक्शन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। धरती पर आप सबको पता है कि कर्म के बिना कोई भी सिद्धांत है नहीं दुनिया में, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कितने लोग बोलते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर्म कम जरूर हो गया है, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही। कभी ऐसा दिन आएगा कि ये पहलवान जी बैठे हैं मान लो गाजियाबाद, और इनका दांत उखाड़ने वाला बैठा है आगरा, और उसने मोबाइल पे ही दांत उखाड़ दिया इनका। आवाज नहीं आ रही। या ऐसा होगा कि सचिन बैठा है गाजियाबाद, और इनका जो हेयर ड्रेसर है बाल काटने वाला, वो बैठा है आगरा, उसने कहा मोबाइल पास ले जा, यहीं से कैंची चला रहा हूं। क्या लग रहा है आपको? हो सकता है कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। अगर ऐसा हो गया तो ये सब भूखे मरेंगे फिर, जितने लोग हैं दांत उखाड़ने वाले, बाल काटने वाले, ये सब भूखे मरेंगे। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को।
कुछ फिजिकल काम है जो हमेशा फिजिकली करने पड़ेंगे। देखो हमने ऑनलाइन से फायदा क्या किया, हमको जाके बल्ला लाना पड़ता था बीवी के लिए, वो हमने ऑनलाइन दूसरे से मंगा लिया, लेकिन लाना फिर भी किसी को पड़ रहा है। आवाज नहीं आई? yes. है ना, बस हमने अपनी मेहनत बचा ली कि भाई बीवी बोलती है तू बल्ला लेके आ, लेकिन मैं सच बताऊं अभी भी बीवी को जो खुद बल्ला ला के खिलाते हैं और जो वो ऑनलाइन लाता है, दोनों में मजा अलग है। तो एक्शन तो किसी ना किसी को करने पड़ेंगे। कितने लोग बोलते हैं करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। yes. भाई आप ना करो, पैसा वाले हो कोई बात नहीं, आपने दूसरा कोई स्विगी वाला लगा लिया वो आपके लिए ले आएगा, लेकिन लाना तो पड़ेगा। अच्छा लाना पड़ेगा, उससे पहले किसी को बनाना भी पड़ेगा कि नहीं? yes. आवाज नहीं आ रही? yes. बनाना भी पड़ेगा। yes. यानी नियम अभी भी नहीं बदले हैं दुनिया के, अभी भी कोई बना रहा है, अभी भी कोई ला रहा है, और तीसरा जो पैसा दे रहा है वो बैठ के सिर्फ खा रहा है। पहले ये सब काम तीनों उसी को करने पड़ते थे, बनाना भी उसी को करना पड़ता था, लाना भी उसी को करना पड़ता था, और खाना भी उसी को पड़ता था। बंटवारा कामों का हो गया है ऑनलाइन की वजह से, लेकिन एक भी काम कम हुआ है क्या, ये बताओ आप? आवाज नहीं आई? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं आई ना, यहां से आप ऑनलाइन कर दो तो वहां बल्ला अपने आप बन गया, तैयार हो गया, कोई जरूरत ही नहीं है आलू लाने की, कुछ जरूरत नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन सुविधाएं बढ़ रही हैं, सही बात है, लेकिन एक्शन फिर भी किसी ना किसी को लेना तो पड़ेगा। तो लिखा है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आपके बोलने से ज्यादा आपके एक्शन बोलते हैं, और आपके एक्शन जो हैं, जब आपके एक्शन बहुत मजबूत होते हैं तो फिर आपको शब्दों से बोलने की जरूरत होती नहीं है। तो इसलिए हमेशा आपको बार बार ये वर्ड मिलेगा कि एक्शन एक्शन जरूरी है। मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ, क्या यूनिवर्स या सुप्रीम पावर, भगवान जो हैं हमारे, सुप्रीम पावर, ब्रह्मांड, एक्शन, ये जो हमारे जिनको गॉड, अल्लाह, ईश्वर मानते हैं हम लोग, क्या हमारी सक्सेस में मदद करते होंगे कुछ ना कुछ? yes. पक्का मानते हो सारे लोग? yes. करते हैं, लेकिन किन की करते हैं? जो तीन काम करते हैं, सबसे पहले जो सोचते हैं, यानी ड्रीमर होते हैं, ड्रीमर ही सोच पाता है, फिर जो बोलते हैं, बोलते हैं यानी अपने को मजबूर करते हैं, बोलना एक बीच का पड़ाव है, सोचते सब हैं, यहाँ पर ये दूसरा काम कई लोग नहीं करते, बोलते नहीं है वो कभी। मैंने कई लोगों को आप में से देखा है, आप चिन्हित करना खुद को, पैनल पे जब भी रेज एंड करने की बात आएगी, आप में से कितने ऐसे बंदे हैं जो बोलते हैं और मैं कुछ भी ना बोलूं ना किसी को देखूं। मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है ये बात कि जैसे ही एंडरेज की बात आती है या तो आदमी लीव कर देता है। तो वो लोग क्या करते हैं बेचारे, वो अपना वीडियो बंद कर लेते हैं। अच्छा एक और सर्वे देखिए कि जितने लोग बोलते हैं क्या वो सने सने धीरे धीरे, भले ही बहुत छोटी स्पीड में, क्या वो लोग तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब वाइस वर्सा बता रहा हूं, क्या वो बोलने की वजह से तरक्की कर रहे हैं या वो सने सने तरक्की कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं? बात दोनों में से कुछ भी सच हो, लेकिन हो उन्हीं के संग होगा जो बड़ा बोलेगा और जो बड़ा करने की हिम्मत रखेगा। कुछ भी हो, चाहे वो बढ़ रहे हो तो बोल रहे हो या बोल रहे हैं तो बढ़ रहे हो, लेकिन फेवर में उन्हीं के जा रही है सारी बात। थोड़े दिन में यही 20-25-30 लोग आपको किसी टॉप लेवल पे दिखाई देंगे, मैं आपको बता। क्यों क्यों, क्या साइंस है इसके पीछे? साइंस है कि यूनिवर्स और सुप्रीम पावर भगवान उसकी ही मदद करता है, उसी को आगे बढ़ाता है, उसी का साथ देता है जिसमें ये तीन काम करने की हिम्मत होती है, सोचने की, बोलने की और एक्शन लेने की। क्या क्या हिम्मत होती है? कई बंदे हमारे सामने बैठे हैं, मैं किसी को इंगित नहीं करना चाहता, लेकिन उनमें से ये तीनों में किसी की हिम्मत नहीं। कई हैं जिनमें दो लास्ट वाले की हिम्मत नहीं है, और वो जो 25-30 बोलते हैं उनमें से कई बंदे 2-4-10 ऐसे हैं जिनमें से दो करने की हिम्मत बहुत है, तीसरे की उनकी भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जिसके साथ तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो हमेशा सोचेगा, जो हमेशा बोलेगा और जो हमेशा उसको पूरा करने के लिए एक्शन लेगा। कितने लोग बोलते हैं, भले ही उसकी जाति कुछ भी हो,
धर्म कुछ भी हो, उसका उसका वो राशि का चिन्ह कुछ भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, उसकी स्थितियां कुछ भी हो, ईश्वर अल्लाह भगवान उसकी मदद करेगा। आवाज नहीं आ रही? आप में से कई लोगों ने ऐसा नहीं देखा अपने जीवन में कि यार ये बंदा तो बड़ा बौंदू था, हमसे पढ़ने में भी कमजोर था, बेकार था, किसी लायक नहीं था, और यार ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, और हम तो हर मामले में उससे होशियार है, होशियार थे, और हम वहीं पड़े हुए हैं। ये तीन कारण थे उसके, सोचना, बोलना और एक्शन लेना। ऐसे लोगों को भगवान गोद में उठाना चाहता। एक आपने कहानी सुनी है कि एक भक्त जो है भगवान कृष्ण का भक्त था, और उन दोनों की आपस में बात होती थी, और भगवान कृष्ण ने उससे वादा किया हुआ था कि यार जब जब तू तकलीफ में होगा, जब जब तू तकलीफ में होगा, मैं तेरी हमेशा मदद करूँगा। सही है? तो भगवान जब वो परेशानी में था, आगे आगे चल रहा था, तो उसके समुद्र के किनारे दो पैर बनते जा रहे थे, और पीछे वो देख रहा था कि दो पैर और भी बनते जा रहे हैं, दो पैर और भी बनते जा रहे हैं। तो उसने देखा यार सही है, मेरे तो दो पैर बन ही रहे हैं, लेकिन दो पैर मेरे पीछे बन रहे हैं, यानी मेरा भगवान कृष्ण जो भी है मेरे साथ, वो मेरे साथ साथ चल रहा है। फिर एक टाइम आगे चलने के बाद बहुत ज़्यादा मुसीबत आई, मतलब बहुत तकलीफ आई, बहुत मुसीबत आई, मतलब बहुत दिक्कत हुई, तो उस टाइम सिर्फ रेत पर दो ही पैर बने थे। तो थोड़ी देर बाद जाके वो जो शिष्य था वो परेशान हो गया, दुखी हो गया। भगवान कृष्ण ने पूछने लगा, भगवान जब मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत और परेशानी में था तो क्या आपने मेरा साथ छोड़ दिया था? सिर्फ दो ही पैर बन रहे थे मैंने देखा था। तो भगवान कृष्ण ने बोला, पगले उस टाइम मैंने तेरे को गोद में उठाया हुआ था, वो दो पैर मेरे ही थे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करेगा ये जो तीनों काम करेंगे। दोबारा से बोल लेते हैं एक बार, क्या क्या? जो अब आपकी बातों का आगे की स्लाइडों में जवाब मिलेगा कि आप बोलते क्यों नहीं हो, वीडियो बंद क्यों कर लेते हो, और आप उनके जैसे पेश क्यों नहीं आते जो बाकी के लोग पेश आते हैं। उसका बहुत ध्यान से इंतजार करते रहें, जवाब सबका है आज। क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं? मेरा सवाल है आपसे। Yes! और आप अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए क्या कर रहे हैं, ये अपने आप से पूछें। आज आप क्या हैं? आज आप वही हैं जो आपने कल किया था, यानी पास्ट में जो किया था आपने, आज आप वही हैं। कितने लोग आज की प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन से खुश नहीं हैं, अपने बैंक अकाउंट बैलेंस से खुश नहीं हैं, अपनी गाड़ी से खुश नहीं हैं, अपने कपड़ों से खुश नहीं हैं, अपने घर से खुश नहीं हैं, जिस बेड पर सोते हैं उससे खुश नहीं हैं, जो गद्दा है बड़ा ख़राब है, मेरे को भी पता है, वो बिल्कुल नीचे नहीं जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है आपको, आप उससे खुश नहीं हैं। कमरे में अगर एसी है नहीं है तो आप उससे खुश नहीं हैं, अपने पंखे से खुश नहीं हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं आपके पास आप उससे खुश नहीं हैं। इसका साफ कारण है कि आज तक आपने जो किया था उसका भगवान ने अभी तक आपको दिया है। अब आप खुद एवेल्युएट कर लो कि आपने कितना अच्छा किया है। आगे अब आप क्या बनेंगे? आप वही बनेंगे भविष्य में जो आज आप करेंगे, क्योंकि आज अगर आप मैं सोचूं और कल 11 तारीख से लेके आपके जन्म तक, क्या आप अपने एक्शनों को मिटा के दोबारा से सही कर सकते हैं? Yes. पुराने वाले कल जो आपने किया था, क्या उसको रिवर्स में जाके कि यार मेरे को यहाँ सोना नहीं था सोफे पे, उठाओ उसको रिवर्स ले जाओ, उठाओ उसको, चल प्लान दिखा कल की डेट में दो, संभव है ये? लेकिन आज से कल के बाद संभव है कि नहीं? Yes. आगे भी संभव है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने एक शक्ति दी है कि हम पीछे का नहीं मिटा सकते, लेकिन आगे का बेहतर कर सकते हैं। ये भगवान ने हमको शक्ति दी है। तो अब पीछे की तो हमारे बस में कोई बात है नहीं, गलती से जैसे भी, आलस में, जो भी हो गया ठीक है, लेकिन कितने लोग बोलते हैं कि अब आगे का सही करने के लिए मैं तैयारी करूंगा सर। नीचे वाली बात को दोबारा पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, हो सकता है धुंधला दिख रहा हो आपको, कि आज आप क्या हैं? आज आप वही हैं जो आपने कल किया था। और आप क्या बनेंगे? आप वही बनेंगे प्रभु जो आज आप करेंगे।
आज क्यों लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा कल। यहां बीमार घोषित कर देगा उसको भाई, तुरंत बता देगा। थोड़ा सा दिक्कत हो उसको, थोड़ी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा नाटक हो, तुरंत बोला चद्दरा कहां है, सो जाए। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन कब आदमी को अपना काम रोकना चाहिए, पूछो कब? जब उस पर खड़ा ना रहा जा रहा हो, या एक बार वो ना चाह के गिर गया हो, या इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही हो कि सामने धुंधला धुंधला दिख रहा हो, एक्सीडेंट होने की संभावना हो, या नाक इतनी तेजी से बह रही हो जुकाम में कि कोई बोले कि यार तू कुछ लेता क्यों नहीं है, हमें क्यों परेशान करेगा, जा घर जाके बैठ जा, या कुछ और नाटक हो, तब आदमी को अपना काम रोकना चाहिए। मेरे जीवन में मैं हमेशा कभी भी अपना काम रोकता नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत महान नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, अगर मेरे पास टाइम है और मेरे साथ कोई दिक्कत है तो फिर मैं आराम भी कर लूँगा। लेकिन आज 12 तारीख की मीटिंग है, मैंने ये वादा किया था, आज मेरे को अगर 103 भी बुखार होता, देवेंद्र शर्मा यहीं होता, ये पक्का वादा है मेरा, पक्का वादा है मेरा। और मेरी स्थिति अगर ऐसी होती कि भाई मैं खड़ा नहीं रह सकता, तो मैं गुप्ता जी को बोलता कि यहाँ पोडियम लगा देना, वहाँ मेरी कुर्सी लगा देना, बैठ के बात करूँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, आऊँगा ज़रूर। मैं 20 साल में आज तक अपना कभी काम नहीं रोका, आज तक कभी काम नहीं रोका कि मेरे को ये तकलीफ है, आज मैं नहीं आऊँगा। गुप्ता जी से पूछ लो, सचिन से पूछ लो, कभी बोला भाई एक्सक्यूज़ कि भाई नहीं आज मेरे यार मैं बीमार हूँ, आज मीटिंग नहीं हो पाएगी यार तुम्हारी? पूछो आप। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को याद होगा जब लॉकडाउन खुला तो हम लोग कम कम मीटिंग किया करते थे, तो सेक्टर 20 में बेसमेंट में हमने वेन्यू चालू किया था, याद है? और सर ने एक डेट दी हुई थी, निश्चितता सब कुछ, लोग कम आते थे क्योंकि लॉकडाउन खुला ही खुला था, बहुत कम लोग आते थे, डेट डिसाइडेड हो गई, प्रमोशन प्लान था सर का, लोगों ने बहुत मना कर दी, बोले सर बहुत मजबूरी, आ नहीं पाएंगे। सर को मैंने मैसेज दिया कि सर कंडीशन नहीं है, सर ने एक ही बात कह दी, बोले गुप्ता जी तुम आओगे? मैंने सर मैं गारंटी से आऊँगा, बोला प्लान होगा। बोला लोग आए या नहीं आए, मेरी बात खराब हो जाएगी पूरी हिस्ट्री में कि यार मैंने डेट दी और मैं नहीं आया, लोग हैं ये तो आएंगे और जाएंगे। तो बोले एक दिन ना आने से मेरे इतने साल की जो मेहनत है वो पानी फिर जाएगी, मैं आऊंगा, क्योंकि मैं इतना दमदारी से आज बोल पाता क्या अगर नहीं आता तो। मैं चाहता हूं सर की डेडिकेशन के लिए मैं सलूट करता हूं। अभी एक और घटना आप ही को रिलेटेड बता रहा हूं, आप भी टैली करोगे उससे। एक दिन हम सब लोगों की बात हुई तो हमने एक पैनल पे बैठ के सारे डायमंड एंड डेवा ने एक प्रगति पर सीरीज बना ली। अब सीरीज बना ली तो मैंने डेट है उस टाइम बोल दी, भाई इस दिन मेरे तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। एक गुप्ता जी ने उसको सीरियसली ले लिया, एक बंदे ने छोटे लेवल पे, उसने अहमदाबाद में, उसने टिकट विकेट छाप दी, मेरे तक कोई खबर ही नहीं है। 3 दिन पहले वो मेरे को पूछता है कि सर आप कितने बजे आ जाओगे? राय मैं कैसे आऊँ, सारी ट्रेनें दिखवाई मैंने, ट्रेन डायरेक्ट कोई अहमदाबाद की नहीं आगरा से। फिर मैंने मजबूरी में फर्स्ट एसी की टिकट देखो कैसे ली, आगरा से जयपुर 2.5 घंटा जयपुर में होल्ड करने के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद से जयपुर 2.5 घंटा जयपुर में होल्ड करने के बाद आगरा, लेकिन मैं गया वहां पे, गया मैं। उसका अपलाइन मना कर रहा था, सर मैं इसको समझा दूंगा कोई बात नहीं। अरे मैंने कि तू समझा देगा, मेरी तो किरकिरी हो जाएगी। उसने टिकट पे फोटो छाप रखा है, मैं आया नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैंने ही कुछ नाटक किया है, लोग तो यही मानेंगे ना। मैंने भाई मैं तो जाऊंगा, और प्लान में आए 26 गेस्ट और मेरे पैसा खर्च हुए 14,000। लेकिन बात वो नहीं है कि क्या मिला, बात वो है कि अपनी बात रह गई कि नहीं, अपनी बात रही कि नहीं रही। एक्शन लेने क्या क्या पड़ेंगे, एक्शन लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं? Yes. थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? Yes. एक और बात बता देता हूं, देखो सोने से लोग मर जाते हैं, ज्यादा खाने से लोग मर जाते हैं, दो बातों से कभी भी कोई मरता नहीं है। एक, किसी दिन गलती से अगर आप भूखे रह गए पूरे दिन तो मरोगे नहीं, लिखवा के ले लो। और किसी दिन अगर आप पूरी रात नहीं सो पाए तो आप मरोगे नहीं, ये भी लिखवा के ले लो, गारंटी है मेरी।